नमस्कार, प्राइम 100 में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ पेश श्वेता गर्ग। आइए रुक करते हैं देश दुनिया की 100 बड़ी खबरों पर। वायु प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, कहा मामले में जारी रहेगी सुनवाई। अरविंद केजरीवाल का बड़ा बयान, कोविड-19 बीमारी से लड़ने में कोवैक्सीन की दोनों डोज 50% तक असरदार, लेसेंट अध्ययन में सामने आई बात। सीरिया बनने की ओर है केरल, इस्लामिक आतंकवाद को मिल रहा बढ़ावा। बीजेपी भाजपा की केरल इकाई के अध्यक्ष के सुरेंद्रन ने लगाया ये आरोप। की यात्रा से पहले 5000 करोड़ के AK-203 सौदे को मंजूरी, अमेठी में होगा असॉल्ट राइफलों का निर्माण। कृषि सुधारों के समर्थन में जुटेंगे 1,00,000 किसान, क्षेत्रकारी संगठन के अध्यक्ष ने किया दिल्ली से किसान रैली का ऐलान। तेलंगाना IMS घोटाले में 144 करोड़ की संपत्ति अटैच, नोएडा समेत कई जगहों पर ईडी की कार्रवाई। IPS परमवीर सिंह ने दोनों घरों के बाहर चस्पा किया है फरार, घोषित करने वाला नोटिस। मंत्री मंडविया ने कहा खाद की नहीं है कोई कमी, आपूर्ति की दैनिक निगरानी करे राज्य। बिहार के राज्यपाल फागू चौहान के पीएमओ ने किया तलब, दिल्ली बुलाने पर अटकलों का बाजार कर। कैप्टन अमरिंदर सिंह का चरणजीत सिंह चन्नी पर बड़ा हमला, कहा बादलों के सामने किया था आत्मसमर्पण। अरविंद केजरीवाल ने की नवजोत सिंह सिद्धू की तारीफ, कहा सच बोलने के लिए हिम्मत की देता हूं दाद। अशोक तंवर के सहारे हरियाणा में राजनीतिक जमीन बनाएगी ममता बनर्जी, तृणमूल कांग्रेस में हुए शामिल। हिमाचल भाजपा में नहीं थम रहा गतिरोध, पार्टी कोर कमेटी की बैठक से पूर्व एक और नेता का इस्तीफा। फाइजर का दावा, 4 महीने बाद भी किशा ग्रुप पर 100% असरदार है कोविड रोधी वैक्सीन। सपा व रालोद में 36 सीटों पर बनी सहमति, जयंत व अखिलेश की लखनऊ में हुई मुलाकात। मुलायम सिंह यादव ने कुमार विश्वास को दिया सपा ज्वाइन करने का ऑफर, अखिलेश भी थे मौजूद। धान खरीद में ढिलाई पर सीएम योगी आदित्यनाथ सख्त, कहा 72 घंटे में किसानों को किया जाए भुगतान। के जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह का दावा, पूर्व सरकारों ने पाइपलाइन की लीकेज तक नहीं ठीक कराया। मायावती ने कहा यूपी चुनाव में 2007 की तरह ही आएंगे नतीजे, जारी किया उपलब्धियों का फोल्डर।
आगरा में बंद कमरे में लगी आग, कमरे के अंदर मौजूद थे दो बच्चे। फायर ब्रिगेड की टीम ने बच्चों को निकाला बाहर। अलीगढ़ में गत्ते के गोदाम में लगी भीषण आग, दमकल विभाग ने आग पर पाया काबू। अलीगढ़ में भूमाफियाओं के आगे बौना साबित हो रहा प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग की जमीन पर भूमाफियाओं का कब्जा। अलीगढ़ में नगर निगम अधिकारियों का चला हंटर, अवैध अतिक्रमणकारियों पर गिरी गाज। औरैया में ओवरटेक करते समय हुआ भीषण हादसा, हादसे में हुई 3 की मौत। औरैया में पुलिस अधीक्षक ने किया औचक निरीक्षण, चौराहा और कोतवाली का किया गया रियलिटी चेक। अलीगढ़ में दबंगों के हौसले बुलंद, खुलेआम चलाई परिवार पर गोली। अलीगढ़ में सपा जिला सचिव ने किया साइकिल दौरा, 403 विधानसभा का करेंगे दौरा। चंदौली में डिप्टी आरएमओ कार्यालय में धरना प्रदर्शन, सपा कार्यकर्ताओं और किसानों ने दिया धरना, धान खरीद के भुगतान को लेकर प्रदर्शन। शाजापुर में 3 बच्चों की हत्या का मामला, 2 आरोपियों को मिली सजाए मौत। सहारनपुर में केंद्रीय सूचना प्रसारण का विपक्षियों पर वार, युवक उत्थान कार्यक्रम को किया संबोधित। सिद्धार्थनगर में कपिल वस्तु महोत्सव का आयोजन, राजनीतिक हस्तियों का हुआ आगमन। फरुखाबाद में दबंगों ने पुरानी रंजिश में की मारपीट, घर में घुसी महिलाओं से मारपीट। सिद्धार्थनगर में कपिल वस्तु महोत्सव, 5 दिवसीय कार्यक्रम की शुरुआत, कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव कार्यक्रम में पहुंचे। शाजापुर में पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई, 56 अपराधियों को किया गिरफ्तार। लखीमपुर खीरी में रफ्तार का कहर जारी, सड़क हादसे में हुई 3 की मौत। उन्नाव में महिला स्वास्थ्य कर्मियों से अभद्रता, नशेड़ी युवक ने की अभद्रता। कानपुर में सीएम योगी का बाल प्रेम, चकेरे एयरपोर्ट पर दिखे मुख्यमंत्री छोटे बच्चे के साथ, नजर आए सीएम योगी अतनाक। कानपुर बुंदेलखंड क्षेत्रीय कार्यालय के शुभारंभ को लेकर विरोध, सपा नेता और पार्षद अर्पित यादव का फूटा गुस्सा, गुस्से में सपा नेता ने दरोगा को दे डाली धमकी। लखीमपुर खीरी में फायरिंग के मामले में एसपी के निर्देश, फायरिंग करने पर दर्ज होगा 307 का मुकदमा, जिले में समस्त थाना प्रभारियों को दिए निर्देश। लखनऊ में बीएसपी कार्यालय के सामने अभ्यर्थी धरने पर बैठे, मायावती से मिलने के लिए अड़े शिक्षक अभ्यर्थी, सरकार के खिलाफ रोष व्यक्त कर रहे अभ्यर्थी।
रायबरेली में 15 फीट लंबा अजगर निकलने से मचा हड़कंप। आनंद फानंद में मोहल्ले वालों ने दी पुलिस को सूचना। मौके पर पहुंची पुलिस और वन विभाग की टीम। मशहूर डांसर सपना चौधरी की मुश्किलें बढ़ी। कोर्ट ने गिरफ्तारी वारंट निरस्त करने की अर्जी खारिज की। ऐसे हमीरपुर ने मनमाने तरीके से किए शिक्षकों के तबादले। सरकार ने दिया जांच का निर्देश। लोक बंधु को भारत रत्न देने की वाराणसी से उठी मांग। लोकतंत्र की रक्षा के लिए लिया संकल्प। बद्रीनाथ धाम में आपसी सहमति से होगा अधिग्रहण। स्पिरिचुअल हिट टाउन के रूप में होना है विकसित। उत्तराखंड पुलिस बनेगी स्मार्ट। महीने में हर जिले में बेस्ट थाने का होगा चयन। मिलेगा पुरस्कार। ऋषिकेश में शातिर ठगों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। कागज व गड्डी थमा, असली रुपए उड़ा ले जाते थे तंग। यात्रा मार्गों पर थके पैरों को मिलेगा आराम। वैष्णो देवी की ही तरह उत्तराखंड के 15 ट्रैकिंग रूट पर मिलेगी खास सुविधा। उत्तराखंड में निखरेगी खेल प्रतिभाएं। खेल नीति को मंजूरी। सिर्फ 9 मिनट में तय होगा खरसाली से यमुनोत्री धाम तक का सफर। नहीं चढ़नी पड़ेगी खड़ी चढ़ाई। यात्रा होगी सुगम। ग्वाला में चलने वाली घोड़ा बुग्गियों से स्वच्छता के नाम पर रोज 50 रुपए वसूलेगा नगर निगम हल्द्वानी। यूकेडी अध्यक्ष एरी ने कहा परिसंपत्तियों के बंटवारे को लेकर श्वेत पत्र जारी करे सरकार। उत्तराखंड वन आरक्षी संघ भूपेन चंपावत के गड़िया प्रदेश अध्यक्ष व राजाजी टाइगर रिजर्व के महामंत्री बने। नैनीताल में अतिक्रमणकारियों से नोकझोंक के बाद बैरंग लौटी डीडीए की टीम। चंपावत में भाजपा टिकट जलाए जाने की मांग हुई तेज। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष को लिखा पत्र। हल्द्वानी में एफटीआई में खेल महाकुंभ की हुई शुरुआत। कई लोगों ने लिया भाग। कालाडूंडी में भाजपा की बूथ कार्यशाला का आयोजन। कार्यकर्ताओं को दी गई ट्रेनिंग। नरेंद्र नगर में रामलीला मंचन का आयोजन। दर्शकों की उमड़ी भीड़। हैदराबाद में खनन माफियाओं का चल रहा अवैध खनन। बर्बाद की जा रही फसलें। गुस्साए किसानों ने किया रोड जाम। यूएस में लोकतंत्र पर वर्चुअल समिट। बाइडेन ने ताइवान को न्योता भेज। चीन को बढ़ाई टेंशन। रूस भी दरकिनार। इजरायली स्पाईवेयर निर्माता पर एप्पल ने किया केस। यूजर्स को निशाना बनाने का आरोप।
न्यूज में गूगल, ट्विटर, फेसबुक के खिलाफ 8 शिकायतें, प्रतिबंधित कंटेंट नहीं हटाने का आरोप। भारतीय छात्रों की वापसी को लेकर चीन कर रहा विचार, फिलहाल रुख स्पष्ट नहीं। घातक कोरोना संक्रमण से बचाने के लिए बूस्टर डोज है काफी अहम, डॉक्टर फासी ने दिया ये बयान। चीन में उइगर के शोषण मामले को लेकर तालिबान में पड़ी फूट। लश्कर ए तैयबा ने अफगानिस्तान और पाक में बनाए नए टेरर कैंप, हक्कानी नेटवर्क भी कर रहा मदद। दुनिया में फिर जंग की आहट, यूएस इंटेलिजेंस ने कहा जल्द ही यूक्रेन पर हमला कर सकता है रूस, उसके सैनिक और हथियार तैयार। समाज के बेतुके मानकों का विरोध, दक्षिण कोरिया में रोलर्स लगाकर घूम रही लड़कियां, तर्क घुंघराले बालों पर हमें असभ्य समझना मंजूर नहीं। ब्रिटेन की सभी नई बिल्डिंग्स में इलेक्ट्रिक कार चार्जिंग पॉइंट जरूरी होगा, हर साल बनेंगे ऐसे करीब 1.45 लाख पॉइंट। महाराष्ट्र में सस्ती होगी शराब, विदेश से आई स्कॉच विस्की पर एक्साइज ड्यूटी 50% तक कम। चीन ने निवेशकों को किया मालामाल, सिर्फ 2 घंटे में 1,000 रुपए के बन गए 60 लाख। करेंसी को रेगुलेट करने के लिए इसी शीतकालीन सत्र में बिल लाएगी सरकार। बिजली बिल भुगतान के लिए एनपीसीआई भारत विपले की खास पहल, ग्राहकों को मिलेगी राहत। सेबी के चेयरमैन ने निवेशकों को चेताया, अफवाहों के आधार पर कतई न करें निवेश। टूरिस्ट को बूस्ट देगी भारत गौरव ट्रेन, 180 नई ट्रेन चलाएगा रेलवे, लीज पर ले सकेंगे प्राइवेट कंपनियां, यात्रियों को लोकल ट्रांसपोर्ट, होटल जैसी सुविधाएं। संसद में क्रिप्टो को बैन करने के बिल लाने की तैयारी, दुनिया भर में क्रिप्टो करेंसी में भारी गिरावट। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, डीए में होगा 3% का इजाफा, AICPI आंकड़ों से तय होगा डीए। पंजाब नेशनल बैंक के ग्राहकों को झटका, सेविंग्स अकाउंट पर मिलने वाले ब्याज में कटौती की, 1 दिसंबर से लागू होंगी नई दरें। गोडैडी पर साइबर अटैक, 1 लाख यूजर्स का डेटा हुआ लीक, ईमेल आईडी और फोन नंबर जैसी निजी जानकारी को खतरा। IPL 2022 का पूरा शेड्यूल आया सामने, MS धोनी खेलेंगे उद्घाटन मुकाबला। विराट कोहली का चहेता खिलाड़ी फिट, टीम में मिली जगह, साउथ अफ्रीका दौरे पर हो सकती है वापसी। विराट कोहली ने मुंबई टेस्ट के लिए शुरू की तैयारी, 56 पारी और 732 दिन से नहीं लगा पाए शतक।
आईपीएल टीम ने बीसीसीआई के सामने रखी विशेष मांग, कहा अमेरिका में भी मिले खेलने की अनुमति। राहुल द्रविड़ ने लाइव मैच में थपथपाई फील्डिंग कोच की पीठ, वीडियो हुआ वायरल। हलाल मीट वाले डाइट प्लान पर आया बीसीसीआई का रिएक्शन, कोषाध्यक्ष ने कहा साफ बोर्ड ने किसी भी खिलाड़ी को खाने से संबंधित नहीं दी है कोई सलाह। भारतीय टीम के पूर्व गेंदबाज कोच भरत अरुण ने कहा देश में भारतीय स्पिनरों का प्रदर्शन दमदार। गौतम गंभीर को आईएसआईएस की धमकी, इस्लामिक स्टेट के कश्मीर मॉड्यूल ने ईमेल कर परिवार को जान से मारने की बात कही, गंभीर की सुरक्षा भी बढ़ाई गई। केएल राहुल की चोट से खुली भारत की पोल, उनकी जगह सूर्य कुमार यादव को किया शामिल, टीम के पास सिर्फ 3 अनुभवी बल्लेबाज, याद आए बिहारी। आईपीएल 2022 में ब्रावो आईपीएल में वापसी करेंगे, पर चेन्नई से खेलने का तय नहीं, क्रिस गेल की वापसी पर सस्पेंस। शाहिद कपूर और मृणाल ठाकुर की जर्सी का ट्रेलर आउट, गौतम तिंदुरी के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म में मृणाल ठाकुर और पंकज कपूर भी निभाएंगे अहम भूमिका। मनीषा कोइराला ने कंगना रनौत को बताया ब्रिलियंट, उन्होंने कहा कि अभिनय में आने वाली युवा पीढ़ी महान है और वे विश्व मानकों के हैं अनुरूप। लारा दत्ता की हिकअप्स एंड हुकअप्स का नया ट्रेलर रिलीज, वेब सीरीज में लारा के अलावा प्रतीक बब्बर, आलोक नाथ, मीरा चोपड़ा और मियांग चेंग भी लीड रोल में आएंगे नजर। दिलजीत दोसांझ और शहनाज गिल की हौसला रख ओटीटी पर हुई रिलीज। कंगना रनौत की फिर बड़ी मुश्किलें, सिख समुदाय पर विवादित टिप्पणी करने का पर मामला दर्ज। अली गोनी ने प्रियंका चोपड़ा नेक जोनस के तलाक की अफवाहों पर शेयर किया मजेदार मीम, फैंस जमकर कर रहे शेयर। प्रियंका चोपड़ा ने उड़ाया नेक जोनस का मजाक, कहा 10 साल का अंतर है, मुझे बहुत कुछ सिखाना पड़ता है। कुंडलीबाग के ऋषभ ने शो को कहा अलविदा, बोले अब सफर को खत्म करने का वक्त आ गया। अतरंगी रीट्रेलर से पहले अक्षय कुमार ने खोला राज, फिल्म में पति पत्नी बने सारा अली खान और धनुष। बनने वाले एक्टर रोवन एटकिंसन की हुई मौत, ट्विटर पर उड़ी खबरें तो फैंस में मचा हड़कंप। आज के प्राइम 100 में बस इतना ही, और देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार।